हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रीऑर्डरिंग लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूला है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगर प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना, ये ध्यान में रखना है। अगर प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है उस प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कि आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट, चार चीजें उसने कही हैं कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले कहा है रीऑर्डरिंग लेवल, दूसरा उसने कहा है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। ठीक है, जो रीऑर्डरिंग लेवल है इसको ऐसे ही लिखते हैं, मैक्सिमम लेवल को कई बार मैक्सिमम स्टॉक लेवल कह देते हैं, मिनिमम को मिनिमम स्टॉक लेवल कह देते हैं, डेंजर को डेंजर लेवल कहते हैं। तो उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने एक रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और हमें ये कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है ये चार चीजें। उन्होंने इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी दी है, सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर, जिसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। दूसरा उन्होंने दी हुई है एनुअल कंजम्पशन, जिसको उन्होंने लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5,000। उसके बाद परचेज प्राइस पर यूनिट दी हुई है इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसका मतलब नेट परचेज प्राइस दी हुई है। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, जिसका मतलब है हमें स्टोरेज कॉस्ट भी गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया है डिटेल लीड टाइम। ठीक है, लीड टाइम का मतलब है कितनी देर में आपकी, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ऑर्डर आ जाए। तो उसमें एवरेज दिया है 10 डेज, मैक्सिमम दिया है 15 डेज और मिनिमम दिया है 5 डेज। एमरजेंसी परचेजेस में अगर सपोज आपको एमरजेंसी में परचेज करना है तो वो कहते हैं जल्दी से जल्दी 4 दिन में काम आपका जो सामान है वो आ जाए। उसके बाद आपको रेट ऑफ कंजम्पशन दी हुई है, वो कहते हैं जो एवरेज कंजम्पशन है दैट इज 15 यूनिट्स पर डे, और मैक्सिमम जो कंजम्पशन है दैट इज 20 यूनिट्स। तो अगर हमने सपोज क्वेश्चन में मिनिमम कंजम्पशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला था मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने कुछ इसमें से बेसिक इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है, ठीक है, ताकि हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हमारी पूरी हेल्प हो सके। तो कुछ बेसिक डाटा हम डिराइव करेंगे, उसमें जो सबसे पहला जो डाटा है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, जिसको हम एनुअल कंजम्पशन। तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, इट इज 5,000। उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमें दी हुई है दैट इज 20 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन दैट इज 20 पर यूनिट। देन वी आर गिवन विद स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कितनी दी हुई है, स्टोरेज कॉस्ट हमें दी हुई है दैट इज रुपीज 5 पर यूनिट। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट दी हुई है दैट इज परचेज प्राइस पर 1 यूनिट, वो कितनी दी हुई है दैट इज रुपीज 50। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड है। अब इसके बेसिस पे हम सबसे पहले निकालेंगे रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रीऑर्डरिंग लेवल का जो फॉर्मूला है दैट इज मैक्सिमम यूसेज पर पीरियड इनटू मैक्सिमम लीड। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम यूसेज भी दी हुई है और मैक्सिमम लीड टाइम भी दिया हुआ है। जो हमें मैक्सिमम यूसेज दी हुई है वो कितनी है, दैट इज रुपीज सॉरी दैट इज 20 यूनिट्स पर डे। और मैक्सिमम लीड टाइम कहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम लीड टाइम दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे देखो
दैट इज 15 डेज। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आता है दैट इज 300 यूनिट्स। तो ये मेरा पहला आंसर है, दैट इज योर रीऑर्डरिंग। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो उसने पार्ट पूछा है, वो उसने पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डरिंग लेवल जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो ये फॉर्मूला है इसका। अब हमारे पास रीऑर्डरिंग लेवल ऊपर दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को हमें पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो रीऑर्डरिंग ऑर्डर क्वांटिटी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है 2AO/I का अंडर रूट, ठीक है। और उसके बाद हमें मिनिमम कंजम्पशन देखें क्वेश्चन में, तो हमें मिनिमम कंजम्पशन भी नहीं दी हुई, हमें एवरेज दी हुई है और मैक्सिमम दी हुई, मिनिमम नहीं दी हमें, ठीक है। तो हमें मिनिमम कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी, और मिनिमम लीड टाइम अगर हम देखें तो मिनिमम हमें लीड टाइम दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 5 डेज। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2AO/C। आई रिपीट, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO/C, ठीक है। अब ए क्या है? देखिए फर्स्ट सेकंड रो में हमने देखा हुआ है एनुअल कंजम्पशन कितनी है, दैट इज 5000 यूनिट्स। ओ कितना गिवन है, दैट इज 20। सी कितना गिवन है, दैट इज 5। तीनों वैल्यूज को पुट किया, मल्टीप्लाई किया और उसका अंडर रूट निकाल लिया, तो जो हमारे पास ईओ क्यू का आंसर आएगा, ये इसका फॉर्मूला है, और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 200, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला में ROL रीऑर्डरिंग लेवल ऊपर है 300, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की 200, मिनिमम कंजम्पशन हमारे पास नहीं है, तो मिनिमम कंजम्पशन निकालने के लिए हम फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास मैक्सिमम कंजम्पशन है, एवरेज कंजम्पशन है, ठीक है, मिनिमम को एक्स सपोज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा 15 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 10। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ऊपर फॉर्मूला दोबारा देख लेते हैं, दैट इज रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड। रीऑर्डरिंग लेवल 300 है, रीऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स है, माइनस किया मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम हमारे पास कितना है, दैट इज 5 डेज। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से इस फॉर्मूला को लिखना है, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 450। इसके बाद हमें जो तीसरी चीज पूछी गई है वो हमें पूछी गई है दैट इज मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करना है? मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला है दैट इज रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड या एवरेज लीड टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला, तो हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रीऑर्डरिंग लेवल हमने ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज 300 यूनिट्स, ठीक है, उसके बाद माइनस किया एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन हमारी कितनी है, हमें दी हुई है 15 यूनिट्स पर डे, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है, ऊपर दिया हुआ है दैट इज एवरेज इज 10 डेज, मैक्सिमम इज 15, मिनिमम इज 5 डेज। हमने एवरेज लेना है तो मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ तक
निकाल दिया, और उसके बाद फिर आगे जो हमने करना है दैट इज इसका आंसर, इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 150 यूनिट्स। अब तीन चीजें निकल गई, चौथी चीज जो हमने निकालनी है दैट इज योर डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर एमरजेंसी। एवरेज कंजम्पशन कितनी है, 15 यूनिट्स दी हुई है हमें, एवरेज कंजम्पशन हमें 15 यूनिट्स दी हुई है, और लीड टाइम फॉर एमरजेंसी बिल्कुल अकेला दिया हुआ है दैट इज 4 डेज। तो क्या कैलकुलेशन करके आ जाएगा, 15 यूनिट्स इंटू 4 डेज, जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। तो दिस इज द क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में ये चारों चीजें पूछी जाती हैं विद ईओक्यू। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले सीखा कि जब भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आए, रादर देन कि हमें एफर्ट करनी पड़े बार बार दोबारा क्वेश्चन पे जाना है, तो हम जो उसकी मेन इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे पहले पेन डाउन करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन में दिया होता है वो एग्जैक्ट फॉर्मूले वाला वर्ड नहीं दिया होता, तो हम सबसे पहले उसको पेन डाउन कर लेंगे। पेन डाउन करने के बाद हम फिर देखेंगे कि हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जिनके जो जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज लिख लेंगे, जो जो वैल्यू डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रही है वो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर इन केस वैल्यू डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट हो रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें बाकी जो वैल्यूज हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे जो हमने आज किया है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और हम इसको भी देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया था दैट इज आपको बेसिक डाटा आइडेंटिफाई करना है। उसमें बेसिक डाटा में आपको एक दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ आपको कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, और आपको परचेज प्राइस और ऑर्डर दिया हुआ है। इनकी जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो दी हुई है 5000 यूनिट्स, 4000 रुपीज, रुपीज 10 और रुपीज 50। उसके बाद हमने देखना है, सबसे पहले हमें कहा गया है रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करना, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज 2000 दी हुई है, लीड टाइम 15 डेज है, दोनों को मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 3000। उसके बाद जो दूसरा हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है दैट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला याद है, थोड़ा लंबा है और हमें इसके भी बहुत सारी चीजों को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें रीऑर्डर लेवल सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम कंजम्पशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईओक्यू या रीऑर्डरिंग क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर द रूट ऑफ 2EO अपॉन सी। कैलकुलेट कितना वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 20,000। उसके बाद दूसरी चीज हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 10,000। उसके बाद हमारे पास चारों वैल्यूज है, हमने वैल्यूज को पुट किया दैट इज 3000 यूनिट्स प्लस 2000 यूनिट्स माइनस 1000 यूनिट्स इनटू 5 डेज, जो हमारे पास आंसर आया दैट इज
45,000। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल का फॉर्मूला जो है दैट इज रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर। फॉर्मूला में पुट किया, रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 30,000 माइनस 1500 यूनिट्स इनटू 10, जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 15,000 यूनिट्स। और फिर हमने लास्ट में एक चीज, जो चौथी चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए कही गई है दैट इज डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेजेस। तो एवरेज कंजम्पशन हमें दी हुई है, वो दी हुई है 1500 यूनिट्स पर डे, और लीड टाइम फॉर इमरजेंसी दिया हुआ है 4 डेज। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास आंसर आया दैट आंसर इज 6,000। तो स्टूडेंट्स हमने ये समझा है कि ये 5 चीजें रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल, और उसके साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, इसलिए ये एडवाइस है कि आप एक पेज पे इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए और उनको 2-3 बार क्रैम करिए ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूलाज बैठ जाए। ठीक है, एंड